हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के बारे में और पैन कार्ड में आधार कार्ड कैसे हम लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका न्यूज़ के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पैन कार्ड आधार लिंकिंग बिफोर 31 मार्च आपको क्या हो सकता है। इसके लिए देखिए आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है 10,000 रुपये की। आपको दिख रहा है, देखिए आपको 31 मार्च 2022 तक इसको आपको आधार कार्ड को लिंक करना है। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो देखिए आपको आपको अगर लिंक नहीं होता तो आपको 10,000 रुपये का फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड में लिंक कर लेंगे। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। हमने लिंक दिया है और वीडियो देख के आप जाके अपना आधार कार्ड लिंक चेक कर सकते हैं कि लिंक है या नहीं लिंक है। इसके लिए देखिए, हम लिंक करने के लिए देखिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे। हम इस वेबसाइट का भी आपको डाल देंगे नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप इसमें जाके आप अपना पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम पैन कार्ड अपना भर लेंगे, जो हमारा पैन कार्ड है। देखिए हमने अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल देते हैं, पैन कार्ड यहाँ पे डालने के बाद हम देखिए पैन कार्ड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे अपना। फिर उसके बाद देखिए हम अपना नेम एज आधार यहाँ पे डाल लेंगे, हमारा नाम क्या है आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। तो हम डालेंगे अपना नाम। नाम डालने के बाद देखिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर हम डालने के बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ आधार कार्ड, आई हैव एग्री वेरिटेड। जिसके आधार कार्ड में सिर्फ देखे होंगे कि आपकी सिर्फ 1994 1995 ऐसा करके लिखा रहता है, तो यहाँ पे अपना टिक कर देंगे। अगर आपके पे पूरा लिखा गया है 1/1/1979 या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। और अगर आपका इसके बाद देखिए यहाँ एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, यहाँ पे हम अपना क्लिक करके यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिसके आधार पे नंबर लिंक वो लिखा रहता है, सिर्फ डेट नहीं लिखा रहता, मंथ नहीं लिखा रहता, सिर्फ ईयर लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर लिखा रहता है पूरा, तो यहाँ पे लिंक हम आधार पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिंक करने के बाद देखिए हमारा जो पैन कार्ड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा है। अगर आपका रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब कमेंट करके बताएं जिन लोगों का आधार से लिंक हो गया है। थैंक यू।